कभी को इंजेक्शन लगना है। एक्साइटेड है? है? हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा टंडन व्लॉग्स। मनीषा टंडन व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ अष्टमी से एक दिन पहले की है। इनके कुछ ब्लड ग्रुप वगैरह मांगा था स्कूल में, तो हमें इंस्टेंटली करवाना था, तो हम आ गए हैं क्लिनिक में। कबीर भी आ गया है, साइशा भी, दोनों का ब्लड ग्रुप करवाना है और बस इंजेक्शन्स लगेंगे इनको। न्यू सेशन जैसे स्टार्ट होता है तो हमारे को कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं स्कूल में, उसके लिए हमारे को ब्लड ग्रुप भी चाहिए होता है। ब्लड ग्रुप का मेरे पास इनके पास आइडिया नहीं था कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है, और जो फॉर्म्स वगैरह जो थे जो संभाल के रखे हुए थे ना, वो रेनोवेशन के टाइम पे कहाँ चले गए थे, तो वो कुछ आइडिया नहीं था। तो इस करके मेरे को ब्लड ग्रुप के लिए बच्चों को यहाँ पे लेकर आ गई हूँ। और सबसे पहले साइशा का मैंने करवाया सो दैट कबीर को थोड़ा डर ना लगे, और बस मैं मन में यही प्रे कर रही थी कि इनको हमारे को कस की पकड़ना ना पड़ जाए। लेकिन एट दी एंड यही हुआ, साइशा ने तो चुप करके लगवा लिया, लेकिन जब कबीर की बारी आई थी ना, तो सीरियसली उस टाइम बहुत हमारे को समझ लो चार पाँच बंदों ने कबीर को पकड़ा था, फिर इंजेक्शन लगाया था। अभी ये बिल्कुल खेल, आप दिख रहे हैं ना बिल्कुल कि चुप करके खेल रहे हैं, लेकिन जब इसकी टर्न आएगी ना, और जब इसकी टर्न आ चुकी थी बाबा रे, उस टाइम हमारा बहुत बुरा हाल हो गया था। मतलब रोना भी आ रहा था, बच्चे को कसकी भी पकड़ना पड़ रहा था। हट भी गया कबीर, देखो ऐसे ऐसे लगता है। पता लगा था कुछ? ऐसा लगा किसी चींटी ने बस काटा। मुट्ठी खोल दो। खोल दो मुट्ठी, खोल। आसान की कोशिश कर। आसान की कोशिश कर। मेरे को आसान है ना? कह रहा है आसान की कोशिश कर मुझे। सही से कबीर को आसान। कबीर ऐसे मुट्ठी को टाइट करो, ऐसे कबीर ऐसे बॉडी कैसे बनाते हैं? बॉडी कैसे बनाते हैं? ये मेरी बॉडी है ना, वैसे टाइट करो बिल्कुल। आवाज चेंज हो गई। हिलाना नहीं, ठीक है? साइशा तुम साइड हट जाओ, या तो हिलाना नहीं है कभी, ठीक है? बिल्कुल भी। ओ यहाँ पे देख, मुझे देख, इसको थोड़ा सा पीछे कर दो आंटी। आंटी ने सिर्फ बीपी कोई बच्चे का क्या नाम है? कबीर के ये मुझे टाइट करो, कबीर मुझे टाइट करो। चलो 1 2 कुछ नहीं हो रहा, हाथ हटा ले। कभी टंडटी है जैसे, देखो पेन लगाते ना वैसे। यहाँ पे कबीर ने इतना ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे वीडियो को वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। वैसे ही इसकी वेन नहीं मिल रही थी, 3 बार बेचारे का ब्लड निकाला गया। The next morning. तो आज है अष्टमी का दिन, मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गई हूँ माता रानी का प्रसाद बनाने के लिए। तो चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है हमारी जो मेड है, जो हमारी हेल्पर है, वो आ गई है, वो अपना सफाई कर रही है। बच्चे जो है गए हुए हैं कंजकों पे, बच्चों को जल्दी सुबह सुबह हमारे यहाँ पे पूछ लेते हैं तो फटाफट बुला लेते हैं जिसको जैसे टाइम मिलता है, क्योंकि आज वैसे भी ना बच्चों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, क्योंकि आज का दिन छुट्टी नहीं होती मोस्टली स्कूलों में। रामनवमी की तो छुट्टी दी जाती है, लेकिन अष्टमी में स्कूलों में छुट्टी नहीं दी जाती, तो बच्चों की भी शॉर्टेज थी। या मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे जो काले चने हैं बिल्कुल रेडी है, इनको मैंने डाल दिए हैं एक छोटे से डब्बे में स्टील के, ताकि थोड़े गर्म रहे। और यहाँ मेरा अपना प्रसाद बन रहा है हलवे का, पूड़ियाँ बन चुकी हैं, और ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट करके रख दिए हैं। हलवे जब लास्ट में बनेगा तो मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ। खरबूजे के बीज भी निकाल के रख दिए, मुझे खरबूजे के बीज आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइए देखिए हमारे मंदिर में जितना भी हमारा पूजा का सामान है और हमारी जितनी भी तैयारी है सब लग चुकी है। यहाँ पे जोत जगानी रह गई है, जब कंच के आती है मैं तभी जोत माता रानी के जगाती हूँ। तो जिस जिसने मेरे माता रानी के दर्शन नहीं किए कर लीजिए, जो मन में मांगना है मांग लीजिए, माता रानी ज़रूर देंगी। तो हस्बैंड को मैंने नीचे भेज दिया था ताकि वो जाके कंजकों को लेकर आ जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही थी। और ना लोग भाग रहे थे कि पहले हमारे घर में करने दो, पहले हमारे घर में करने दो। जब तक मैंने उनका वेट करी थी, हमारा पूरा ड्राइंग रूम रेडी है। आपको मैं इसलिए लुक दिखा रही हूँ जैसे हम लोगों के आने का इंतजार करते हैं ना कि लोग आने वाले हैं, तो माता रानी भी हमारे घर पधारने वाली। तो मैं सोचती थी कि आज उनको सोफे में बिठाऊंगी, नीचे ज़मीन में बिठा के मानती हूँ शुभ माना जाता है बिठाते हैं, लेकिन आज मैं इनकी सेवा जो करूँगी अपने सोफे में बिठा के करूँगी। ये जो आप यहाँ पे प्रसाद देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है कि साइशा कबीर कंजकों में वापस घर आ ही चुके थे, लेकिन उनको फिर किसी ने बुला लिया। और यहाँ पे जो है हम आपको जो ये दिखा रही हूँ, ये मैं माता रानी के रूप में जो प्रसाद समझ लीजिए या जो मर्जी समझ लीजिए, गिफ्ट समझ लीजिए, ये मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आई हूँ, और मैं लेकर आई थी जो पेंसिल और जो स्टेशनरी का जैसे मोस्टली सामान होता है, रबड़ हो गया, इरेजर हो गया, स्केल हो गया, जो बच्चों को स्कूल में काम आता है उस टाइप का मैं सेट लेकर आई थी। तो मेरा मन था कि ज्योमेट्री बॉक्स या ये चीज़ें दूँ, क्योंकि प्लेट्स हमेशा मैं देती रहती हूँ, तो मैं सोची थी इस बार कुछ क्या दूँ। लंच बॉक्स भी देते रहते हैं बच्चे, तो मेरा मन में आया कि चलो ज्योमेट्री बॉक्स दे देती हूँ, नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो बच्चे खुश हो जाएंगे। सो जो हम जितने भी गिफ्ट्स बच्चों के लिए कंजकों के लिए माता रानी के नाम का लेकर आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले गिफ्ट्स को माता रानी के हम मंदिर में रख देते हैं। तो यहाँ देखो मेरे गिफ्ट्स रखे हुए हैं,
जोत बनी हुई तैयार है हमारी, और जैसे ही बस बच्चे आ जाएंगे तो मैं जोत जला दूंगी। यहाँ पे मैं अपने वर्ड गए उसको करेक्ट करना चाहती हूँ, जो जलाना नहीं बोलते, जो जगाना बोलते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था, सो थैंक्स अ लॉट, और मेरे अगर मुझसे कभी कुछ गलत में निकल जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो चलिए छोटा सा एक कीर्तन करते हैं मेरी जुबानी। हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुराद एक बार मेरी माँ, तेरी कंजे के बैठाऊँ पूरी हलवा खिलाऊं, तेरी जोत जगाऊं लाल चुनरी चढ़ाऊं, माता रानी ए हो माता रानी ए, माता रानी ए हो माता रानी ए, ते जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुराद एक बार मेरी माँ, तेरी कंजे के बैठाऊं पूरी हलवा खिलाऊं, तेरी जोत जगाऊं लाल चुनरी चढ़ाऊं, माता रानी हो माता रानी। कंज के बिठा ली हमने और अब लगी थी हमारे को बहुत तेज की भूख, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खा रखा था। चाय बनाई, माता रानी का जो हमने प्रसाद निकाला था वो खाया, और ये देखो सबसे पहले मेरी नजर गई काजू में। मुझे ड्राई फ्रूट डालना हमें बहुत पसंद है, और अब मैंने बच्चों को बोला कि तुम भी खा लो घर का, क्योंकि इन्होंने खाया नहीं था और अपना लगे पड़े थे फ्रूटी वगैरह पीने में। तो बच्चों को मैंने बोला कि तुम्हें भी भूख लगी होगी, और हम सब ने खाया क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस। ये बात तो बिल्कुल सच है, नवरात्रे घर में आने से ना घर में बिल्कुल पॉजिटिविटी फैल जाती है, और घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, कुछ नेगेटिविटी भी होती है, तो वो चली जाती है। एक बार जयकारा लगाते हैं, बोल सच्चे दरबार की जय, माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।